हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने टेंस के डे 27 में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करेंगे। जी हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हम लोगों ने आपको याद होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़ा था, लेकिन आज हम लोग जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ये क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है, उसको बनाते कैसे हैं, तो इसमें कुछ चीज़ें पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखनी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को, जस्ट हैव अ लुक प्लीज। जैसे हम देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। जैसे कि मैंने हर टेंस को मैं सेग्रीगेट कर देता हूँ, अलग अलग कर देता हूँ और एक एक वर्ड की मैं आपको मीनिंग बताता हूँ, वैसे यहाँ पे भी मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को तीन पार्ट में डिवाइड किया है, दैट इज परफेक्ट कंटीन्यूअस एंड प्रेजेंट। जैसा कि आप जानते हैं प्रेजेंट का मतलब हमेशा होता है, और जैसे कि हमने कंटीन्यूअस में पढ़ा था कंटीन्यूअस का मतलब होता है रहा, और जैसा कि हमने परफेक्ट में पढ़ा था कि परफेक्ट का मतलब होता है चुका, चुके, चुकी या ए या आ। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे परफेक्ट का मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पे परफेक्ट का मतलब समय से होता है। यानी यहाँ पे वो सेंटेंसेस आते हैं जिसमें हम समय की बात करते हैं। जी हाँ, जैसे कि अगर मैं बात करूं वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, तो ये सिर्फ क्या है, इसमें रहा भी है मतलब कॉन्टिन्यूस और है मतलब ये प्रेजेंट, मतलब ये तो सेंटेंस हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस। लेकिन अगर इसमें आपने समय लगा दिया कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा है या वह 2 बजे से पढ़ रहा है, क्योंकि है आया है तो प्रेजेंट, रहा आया है कंटीन्यूअस, और चूंकि समय आया है तो वो हो जाता है परफेक्ट। तो ये होती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की सेंटेंसेस, ऐसा सेंटेंस जिसमें समय के साथ साथ उसमें लास्ट में रहा के बाद है आता है, रहा रहने के बाद है आता है, उसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। क्लियर? इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखनी होगी, इसमें हम एक वर्ड का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं सिंस और फॉर। जी हाँ, सिंस और फॉर, इसका मतलब होता है से, जो कि हम टाइम के लिए, समय के लिए यूज करते हैं। तो पहले हम ये जाना पड़ेगा कि सिंस का यूज कहाँ करते हैं और फॉर का यूज कहाँ करते हैं। गाइस, सिंस का यूज हमेशा हम उस समय के लिए यूज करेंगे जो निश्चित होता है, मतलब हमेशा निश्चित जगह समय रहेगा उसके लिए हमेशा सिंस का यूज करते हैं। जैसे कि 2011 से, 2012 से, या पिछले हफ्ते से, पिछले गोली से, ठीक, सुबह से, ठीक है, 2 बजे से, 4 बजे से। यहाँ मैंने दिया है, यानी बजे आ जाए, उस सन का नंबर आ जाए, या पिछला आ जाए, या फिर सुबह से, शाम से, दोपहर से, रात से, तो इसके लिए हमेशा सिंस यूज करेंगे। और फॉर तब यूज करते हैं जब समय हमारा अनिश्चित होता है, जिसमें समय की हमें बात नहीं होती है, पता ही नहीं होती कि कितने बजे से हो रहा है, कितने वक्त, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे 2 घंटे से, 2 घंटे से मतलब क्या, 12 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 क्या है, ठीक है, कुछ घंटों से, कुछ दिनों से, कुछ सालों से, मतलब यहाँ पे कोई भी चीज हमारा समय क्लियर नहीं है। देन कई दिनों से, यहाँ पे भी हमारा दिन क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं। फिर से मैं बता दूं, सिंस का यूज हमेशा हम निश्चित समय के लिए करते हैं और फॉर का यूज हमेशा हम अनिश्चित समय के लिए करते हैं। क्लियर? ये सारी चीजें हैं। नाउ लेट्स हैव अ लुक। यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ इसका सिंपल का फॉर्मूला लिखा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का सिंपल का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे हम पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, और आपको पता है परफेक्ट है तो परफेक्ट में क्या लगता हैज या हैड, हैज का यूज हम सिंगुलर के साथ, हैव का यूज प्लूरल के साथ करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, बस यहाँ पे थोड़ा चेंज है, यहाँ पे हम जो हैविंग वर्ब यूज करेंगे वो हैज बीन या हैव बीन का यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट हैज बीन या हैव बीन, हैज बीन का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट, हैव बीन का यूज हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे। देन जो कि कंटीन्यूअस है तो उसमें वर्ब में एंगल लगाएंगे, ऑब्जेक्ट होगा। फिर यहाँ पे उस समय के लिए इसे यानी सिंस और फॉर का यूज करेंगे। देन जो भी समय के यहाँ वो समय लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे राम 2 घंटे से आम खा रहा है, राम 2 घंटे से आम खा रहा है, तो राम हो गया सब्जेक्ट, देन खा रहा ये हो गया वर्ब, देन मैंगो किया आम, और ये 2 घंटे से, दिस इज, ये हो गया आपका परफेक्ट, ठीक है, 2 घंटे हो गया परफेक्ट। और से का मतलब क्या हो जाए, ये सेंस या फॉर। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हो खा रहा है, लेकिन है क्या, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट को शुरू कर रहा है, यहाँ पे यानी प्रेजेंट परफेक्ट को शुरू कर रहा है, क्योंकि राम सिंगुलर है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हैज बीन। ओके, अब देखिए यहाँ पे से आया है, अब से भी या तो हम सिंस का यूज करेंगे या तो फॉर का, तो ये पता करना पड़ेगा कि ये सिंस है कि फॉर है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 2 घंटे, यानी समय निश्चित नहीं है, कोई निश्चित समय नहीं दिया हुआ है, तो 2 घंटे का मतलब यह अनिश्चित हो गया,
तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम फॉर भी यूज करेंगे। अब हम फॉर्मूला में पुट करते हैं। देखिए पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, तो सब्जेक्ट में मैंने राम लिख दिया, उसके बाद से हमने हैज बीन या हैव बीन, क्योंकि राम सिंगुलर है तो मैंने यहाँ पे हैज बीन लगा दिया। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, वर्ब हमारा खाना है, खाने में आएंगी ईटिंग हो गया क्योंकि रहा लगा हुआ है। फिर सिंस या फॉर, तो मैंने यहाँ पे देखिए फॉर लगाया हुआ है, एंड टाइम क्या है, 2 घंटे, दैट इज 2 घंटे, यानी इसका फाइनल सेंटेंस बनेगा राम 2 घंटे से आम खा रहा है, राम हैज बीन ईटिंग मैंगो for 2 hours, clear? Now come to the point, it's negative. कैसे इसका negative sentence बनता है? So simple, देखिए subject, उसके बाद से has not been या have not been, ध्यान रखिएगा has been और have been के बीच में not लगाते हैं, मतलब has not been और have not been, ये हमारा formula, then as it is verb ing, object, since, for और time. मैं 2 बजे से मूवी देख रहा हूँ, तो मैं 2 बजे से मूवी देख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पे मैं, यहाँ पे क्या हो गया, दैट इज यहाँ पे मैं हो गया सब्जेक्ट, देख देखना वर्ब है, दैट इज रहा, देख रहा ये, और यहाँ पे क्या होगा, हूँ प्रेजेंट परफेक्ट है, तो यहाँ पे क्या होगा, हैव को शो कर रहे हैं, हैव बीन यहाँ पे यूज हो जाएगा, क्यों हैव बीन, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या प्लूरल, प्लूरल शब्द हमेशा हैव बीन होते हैं। समय क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ये परफेक्ट बात है, दैट इज से के लिए मूवी ऑब्जेक्ट हो गया आपका। अब देखिए से के लिए 2 बजे, यानी सर्टेन एकदम टाइम निश्चित है, तो यहां पे हमने क्या यूज करना है, दैट इज अ सेंस यूज करना है, दिस इज क्लियर। तो ये हो गया हमारा फार्मूला। अब इसको हम फार्मूला पुट करते हैं, तो मैं 2 बजे से मूवी नहीं देख रहा हूं, नहीं देख रहा हूं, ध्यान रखिएगा, तो नहीं का मतलब क्या हुआ, देखिए यहां पे नहीं का मतलब क्या हुआ, कि हमें इसमें नॉट भी पुट करना है, तो क्या होगा सब्जेक्ट में मैं का हो गया आई, उसके बाद से हैव नॉट बीन या हैज नॉट बीन, क्योंकि आई प्लूरल है, तो हमने यहां पे क्या लिखा, हैव नॉट बीन, देन वर्ब मूवी है तो वाचिंग, देन ऑब्जेक्ट दैट इज देखना वर्ब हो गया तो वाचिंग, मूवी ऑब्जेक्ट हो गया दैट इज मूवी, एंड टाइम क्या दिया, सॉरी, और सिंस फॉर 2 बजे से, मतलब सिंस और फिर टाइम दिया है 2 o'clock, यानी फाइनल सेंटेंस क्या बनेगा, मैं 2 बजे से मूवी नहीं देख रहा हूं, I have not been watching movie since 2 o'clock. फिर से चलिएगा, I have not been watching movie since 2 o'clock. Clear? Now इसका interrogative sentence क्या बनेगा? जैसे हम present perfect में क्या करते थे interrogative में, as or have कौन करते थे? Same as it is. यहाँ पे भी हम करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सिर्फ as or have कौन करेंगे। मतलब सबसे पहले formula में हम as or have लगा के, उसके बाद से subject, और इसका जो बीन है वो सब्जेक्ट के बाद बनाएंगे, फाइनली यानी फॉर्मूला होगा हैज है प्लस सब्जेक्ट बीन वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर एंड टाइम। सेंटेंस क्या है, क्या वो सुबह से पढ़ रही है, क्या वो सुबह से पढ़ रही है, तो चूंकि यहाँ पे वो है तो सब्जेक्ट हो गया, पढ़ने का काम हो रहा है दैट इज आपका वर्ब हो गया, दैट इज सुबह, और ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, क्या पढ़ रही है ये नहीं बताया जा रहा है इसमें, That is, ये आपका, चूंकि ये वह है, वह के साथ हमेशा क्या लगता है सिंगल, सिंगल के साथ हमेशा हम has been लगाएंगे, और सुबह से टाइम दे दिया है आपका, that is, okay? सुबह से 2 बजे ये टाइम दे दिया है, ये टाइम दे दिया है, और से के लिए भी क्या है, सुबह से, अभी मैंने आपको बताया सुबह से, शाम से, दोपहर से, रात से, इसके लिए हमेशा सेंस लगाते हैं, क्योंकि 24 घंटे में एक ही बार आते हैं, इसके लिए हम से क्या बनाते हैं सेंस। फाइनल सेंटेंस क्या बनेगा, क्या वह सुबह से पढ़ रही है, तो फॉर्मूला क्या कहता है, पहले हैज या है, तो हमारा वह क्या है सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम हैज लगा के, तो मैंने हैज लगा दिया, उसके बाद से हमारा सब्जेक्ट क्या है वह, दैट इज शी, उसके बाद से बी, फिर मैंने यहाँ पे बीन लगा दिया, देन वर्ब आईएनजी, वर्ब के हमारा पढ़ना, पढ़ने में रीड का आईएनजी रीडिंग हो जाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं है छोड़ दीजिए, देन उसके बाद से सिंस और फॉर, तो यहाँ पे क्योंकि सुबह से है तो सिंस हो जाएगा, सिंस और टाइम के सुबह से, दैट इज मॉर्निंग, तो शी क्या, हैज शी बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, हैज शी बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, ये इसका इंट्रोगेटिव होगा। अब आते हैं इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाते हैं, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सेम चीज क्या करेंगे, सब हैज और हैव आगे रहेगा प्लस सब्जेक्ट होगा, उसके बाद से आपको पता है नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही आता है, उसके बाद हम तुरंत नॉट रखेंगे और फिर बीइंग रखेंगे, ध्यान रखिएगा पहले नॉट फिर बीइंग,
इंट्रोगेटिव में क्या था, पहले सब्जेक्ट, सॉरी पहले हैज है सब्जेक्ट फिर बीन, यहाँ पे इंट्रोगेटिव नेगेटिव में पहले हैज है फिर सब्जेक्ट, उसके बाद से नॉट देन बीन आएगा। तो हैज है पर सब्जेक्ट नॉट बीन वर्ब आएगी ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर एंड देन टाइम। देखिए इसका एग्जांपल क्या दिया है, क्या हम लोग कुछ घंटों से नहीं खेल रहे हैं, क्या हम लोग कुछ घंटों से नहीं खेल रहे हैं, तो हम लोग क्या हो गया, दिस इज सब्जेक्ट, क्या काम हो रहा है खेलने का, दैट इज अ वर्ब, क्योंकि हम लोग प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम से क्या आएंगे हैव बीन, और यहाँ पे क्या है कुछ घंटों से ऑब्जेक्ट नहीं किया है, छोड़ दीजिए कुछ घंटे, ये क्या है टाइम है, और से अब देखिए कुछ घंटे यहाँ क्लियर करना है सिंस या फॉर, कुछ घंटे मतलब समय क्लियर नहीं है, इसका मतलब हमने यहाँ पे क्या यूज करना है फॉर यूज करना है। तो फाइनल सेंटेंस क्या बनेगा, क्या हम लोग कुछ घंटों से नहीं खेल रहे हैं, तो पहले हैज है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट वी है, तो वी के साथ हमेशा हम हैव लगाते हैं, तो मैंने यहाँ पे हैव पुट किया, उसके बाद देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हम लोग हैं तो दैट इज वी, उसके बाद से नॉट बी, देन मैंने यहाँ पे नॉट और बीन लगा दिया, देन वर्ब आईएनजी खेलने का काम हो रहा है मतलब प्ले का आईएनजी प्लेइंग हो जाएगा, और इसमें ध्यान सेंस ऑफ फॉर कुछ घंटों से मतलब फॉर, तो मैंने यहाँ पे फॉर लगा दिया, और समय क्या दिया कुछ घंटों से फॉर फ्यू आवर्स, फॉर फ्यू आवर्स मतलब इसका सेंटेंस क्या बनेगा, यानी इसको इंग्लिश में पूरा ट्रांसलेट कर देंगे, क्या हम लोग कुछ घंटों से नहीं खेल रहे हैं, हैव वी नॉट बीन प्लेइंग फॉर फ्यू आवर्स, have we not been playing for few hours, clear friends, now come to the point is a question word interrogative, yani kab kyun kahan kaise, aise sentences aayenge to kya banenge, maine aapko bataya tha bas aapko interrogative ka formula pata hona chahiye, interrogative formula yani bas question word rakh dijiye, matlab sabse pehle hum question word rakhenge, uske baad se has hai, then subject, then been, then verb ing, object, since for and time, this is, ye ho gaya। अब इसको कैसे बनाएंगे, इसका फॉर्मूला दिया है, एग्जांपल है राहुल 2010 से कहाँ रह रहा है, राहुल 2010 से कहाँ रह रहा है, तो राहुल हो गया सब्जेक्ट, रहने का काम हुआ दैट इज अ वर्ब, चूंकि राहुल सिंगुलर है तो राहुल के साथ हम क्या लगाएंगे हमेशा यहाँ पे हैज बीन लगाएंगे, टाइम दे दिया है 2010, अब यहाँ पे से के लिए सिंस या फॉर, चूंकि हमारा एकदम ईयर निश्चित कर दिया 2010 से, तो यहाँ पे क्या होगा ये सिंस हो जाएगा, और कहाँ क्या होगा ये क्वेश्चन वर्ड, दिस इज ओके नाउ कब तक पाएंगे, नहीं यहाँ पे देखिए क्या हुआ, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, राहुल 2010 से कहाँ रह रहे हैं, इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है कहाँ कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर, तो मैंने वेयर पुट कर दिया, उसके बाद से हैज या है क्योंकि राहुल सिंगुलर है तो मैंने यहाँ पे हैज लिख दिया, देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा राहुल है राहुल लिख दिया, देन बीइंग मैंने यहाँ पे बीन लिख दिया, वो अब आईएनजी रहने का लिव लिविंग हो जाएगा, और टाइम भी क्या है 2010 निश्चित हो गया, इसका मतलब ये सिंस होगा, तो मैंने यहाँ सिंस लिख दिया और टाइम दिया है 2010 2010। फाइनल सेंटेंस बनेगा राहुल 2010 से कहाँ रह रहा है, वेयर हैज बीन राहुल बीन लिविंग, वेयर हैज राहुल बीन, वेयर हैज राहुल बीन लिविंग सिंस 2010, where has Rahul been living since 2010, clear guys, now come to the point, question word interrogative negative, question word interrogative negative kaise banega, sabse pehle hum question word rakhenge, maine yahan question word put kar diya hai, then interrogative negative formula has have subject not been, then verb ing object since for and then time, sentence hai ve log kuch saalon se kya nahi kar rahe hain, ve log kuch saalon se kya nahi kar rahe hain, तो वे लोग क्या हो गए, ये हमारे हो गए सब्जेक्ट, देन कर रहे हैं वर्ब, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, देन यहाँ पे हमने है दिया है, और वे लोग ये सब क्या होगा, हमेशा प्लूरल होता है, प्लूरल के साथ हमेशा दैट इज हैव बीन, देन कुछ सालों से ये हमारा समय दिया हुआ है टाइम, और सिंस या फॉर, अब कुछ साल है ये निश्चित है क्या अनिश्चित है, या अनिश्चित है इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे हमें फॉर यूज करना है, और क्या है क्या यह क्वेश्चन वर्ड हमारा हो गया, तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड पुट करेंगे, क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, क्या का मतलब हो गया व्हाट, तो मैंने यहाँ पे व्हाट लिख दिया, उसके बाद से हैज या है, वे लोग हैं प्लूरल, प्लूरल के साथ हमेशा हैव लगते हैं, मैंने यहाँ पे हैव पुट कर दिया, देन सब्जेक्ट है वे लोग, दे नॉट बीन, उसके बाद से है
क्या नहीं कर रहे हैं, दे आर डूइंग लुक अप ड्रिंक फॉर अनिश्चित फॉर फ्यू इयर्स, फॉर फ्यू इयर्स यानी फाइनल सेंटेंस क्या बनेगा गाइस, वे लोग कुछ सालों से क्या नहीं कर रहे हैं, व्हाट हैव दे नॉट बीन डूइंग फॉर फ्यू इयर्स, व्हाट हैव दे नॉट बीन डूइंग फॉर फ्यू इयर्स गाइस। थोड़ा सा क्रिटिकल लगता है बोलने में, थोड़ा सा लगता है देखने में भी, लेकिन ये प्रैक्टिस के बेस पे है, प्रैक्टिस करेंगे तो इट विल बी कम ऑन योर टंग राइट। सो आई होप सो यू अंडरस्टूड दैट। मैं फिर से रिमाइंड करता हूं, मैं इसका अभी डिस्क्रिप्शन में आपको प्रैक्टिस दूंगा, उसको जरूर करिएगा, सॉल्व करिएगा, मुझे जरूर भेजिएगा। बहुत ढेर सारे कमेंट्स और बहुत ढेर सारे डिसीशन आ रहे हैं, प्लीज मैं चाहता हूँ आप इसको जरूर प्रैक्टिस करिए, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी कि दैट्स आप इसको अच्छे से देख रहे हैं और प्रैक्टिस में ला रहे हैं। So thanks for giving your precious time. Please keep in touch with your practice. Don't forget like, share, comment, and subscribe. And please, 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 please stay at your home and be careful about your career. And wish you good luck.